students, let's take a topic of class plus one. And today's topic is Albert Einstein at School by Patrick Pringle. Let's talk about the author, Patrick Pringle. He was born in America. He was a great research geologist, and he has written about the life of Albert Einstein at length. So, Albert Einstein के बारे में बात करते हैं. Einstein's condition in the school was miserable. He was very intelligent though, but he had a very bad time in his early school days, and he was not liked by his history teacher, by his head teacher, and he suffered numerous encounters, numerous tortures, and he cannot pass his school, and he was expelled from the school. So, चलो आओ chapter करते हैं. सबसे पहले chapter शुरू कहाँ से होता है? Einstein's encounter with the history teacher. History teacher Mr. Brown मुझसे पूछते हैं कि Waterloo की लड़ाई के अंदर Persians ने जब फ्रेंच को हरा दिया था तो वो लड़ाई किस डेट को हुई. सो ही वांटेड टू नो द डेट ऑफ इंसिडेंट बिकॉज आइंस्टाइन वाज प्लेन इन हिज स्पीकिंग एंड ही वाज ही साउंडेड रेदर रूड क्योंकि आइंस्टाइन सीधी बात करता था. उसे बल्ब वेव करके कोई बात नहीं आती थी तो वो सीधा जवाब देता दैट ही डजंट फाइंड एनी लॉजिक इन लर्निंग द डेट्स ऑफ द फैक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी रिटन इन द बुक. तो वो सीधा जवाब देता कि उसे नहीं पता. तो हिस्ट्री टीचर पूछता कि आप तुमने कभी उसे याद करने की कोशिश की है? तो वो सीधा जवाब देता नहीं. फिर वो अपनी थ्योरी अपने हिसाब से वो पूछता है कि अच्छा मुझे जरा आइंस्टाइन्स थ्योरी क्या है वो बता. तो वो बताना शुरू हो जाता है कि मुझे नहीं लगता जो फैक्ट्स एंड डेट्स जो पहले किताब के अंदर लिखी हुई है उन्हें कोई याद करे. आप अगर आपने डेट ही देखनी है तो किताब खोलो सामने लिखी हुई है. रेदर देन causes क्या थे, कारण क्या थे, consequences क्यों हुए, क्या थे, consequences क्या हुए, इन बातों के ऊपर जोर देना चाहिए, ना कि ऐसी dates लर्न कर, जरूरत है लर्न करने की जो कि किताबों में पहले ही लिखी हुई. और क्योंकि वो outspoken था, plain था, उसे well framed नहीं आता था, simple सा इंसान था, it sounded more rude to the teacher. Teacher took it as a disrespect for himself. उसे लगता था कि वो अपमान करता था. और हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन थे जाके हेड टीचर जो कि प्रिंसिपल थे उन्हें इसकी बार बार शिकायत करना शुरू कर दिया. एंड मेनी अ टाइम्स आइंस्टाइन वाज कॉल्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस बट इवन द प्रिंसिपल हैज मेड हिज माइंड दैट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ टोटल फेलियर एंड ही वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड it was impossible for the teacher to teach in the school. उसे head teacher को भी ऐसा लगने लग गया था कि उसकी presence के अंदर कोई भी teacher class में पढ़ा नहीं सकता था. और इसकी Einstein की condition school के अंदर बड़ी miserable थी. उसका कोई friend नहीं था. उसे history teacher भी तंग करता था. उसे बार बार office में बुलाया जाता था. और इस कारण वो बहुत परेशान था. His father was a poor peasant. And he had paid his school fee with a great difficulty. उसके पिताजी बहुत गरीब किसान थे. उनके लिए उसके स्कूल की फीस देना बहुत मुश्किल था और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे मीच के अंदर पढ़ने के लिए भेजा था मिलान. आइंस्टाइन जहाँ पर एज ए पेइंग गेस्ट रह रहा था वो लॉजिंग भी बड़ी जगह बड़ी मिजरेबल थी. वहाँ पर वॉयलेंस बहुत थी, नॉइज बहुत थी. अक्सर जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को पिटाई करती रहती थी. और वीकेंड पे जब उसका हस्बैंड माइंस कोल माइंस में वो काम करता था जब आता वो अच्छे से दारू पी के उसकी अच्छी पिटाई करती. तो आइंस्टाइन को ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी पिटाई का बदला अपने बच्चों से लेता था. और जब कभी भी आइंस्टाइन कोशिश करता कि अपना मेंटल पीस बनाने के लिए माउथ ऑर्गन बजाता तो लैंड लेडी आके ऑब्जेक्ट करती कि ही इज नॉट supposed to blow the music in the house कि गाना बजाना नहीं होता तो वो उसे रोक देती. लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद भी आइंस्टाइन मैथमेटिक्स टीचर के साथ बहुत अच्छी उसकी रही. सिर्फ एक मैथ्स के टीचर के साथ अच्छी होने के कारण उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी स्कूल. वो
वो बड़ा उसका मन नहीं करता था स्कूल जाने का, उसका दिल करता था कि somehow he should quit school और somehow he should be on the leave. For this Einstein ने request की यूरी को कि मेरी help करो, I want a medical certificate so that I can stay away from school. क्योंकि सीधा वो स्कूल छोड़ के जा नहीं सकता था, उसके पास फादर ने कभी भी एग्री नहीं करना था. तो ही केम टू अ कंक्लूजन दैट इफ एनी साइकोलॉजिस्ट गिव हिम अ मेडिकल सर्टिफिकेट दैट ही इज अबाउट टू हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड ही नीड्स अ ब्रेक ऑफ 6 months, देन हिज पर्पस वुड बी सॉल्व. तो वो आइंस्टाइन यूरी से जब हेल्प मांगता था, यूरी उसे एक डॉक्टर वेल का नाम बताती है. डॉक्टर वेल अभी ही जस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट करके आया था, और जब आइंस्टाइन डॉक्टर के बारे में पूछता तो यूरी से बिल्कुल क्लियरली बताता है कि हो सकता है कि तुम उसके पहले पेशेंट हो. ठीक है, तो आइंस्टाइन की वो मीटिंग फिक्स कर देता है डॉक्टर वेल के साथ निश्चित टाइम के ऊपर. वो जाता है और जाते समय आइंस्टाइन इज क्वाइट नर्वस, काफी नर्वस है कि डॉक्टर से जाके क्या बोलेगा, क्या करेगा. लेकिन उसकी सारी प्रॉब्लम यूरी ने सॉल्व कर दी हुई, उसने पहले ही एडवांस के अंदर उसका सारा केस डॉक्टर वेल से डिस्कस कर लिया. और डॉक्टर वेल आइंस्टाइन से बात करते हैं, उसे सब पूछते क्वेश्चंस पूछते हैं उसकी मेंटल स्टेटस. तो वो इस कंक्लूजन पे वो पहुंचते हैं कि सच में अल्बर्ट आइंस्टाइन इज अबाउट टू हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन. और वो आइंस्टाइन से पूछते हैं कि क्या ये सफिशिएंट होगा अगर उसे 6 months की वो मेडिकल लीव दे दे. और साथ ही साथ ये भी गाइड करते हैं बिकॉज इज इन द वेरी गुड बुक्स ऑफ हिज मैथमेटिक्स टीचर, ही शुड गेट अ लेटर ऑफ फ्रॉम हिम. और वो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उसे मिलान इंस्टीट्यूट के अंदर जा फर्दर मैथमेटिक्स की स्टडी के में हेल्पफुल हो सकता है. तो उसे बड़े अच्छे से समझा के भेजते हैं कि उसे मैथमेटिक्स टीचर के पास पहले जाना, उनसे लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मांगना है. तो जब आइंस्टाइन मैथमेटिक्स टीचर के पास जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, और टीचर कहता है कि विल दैट बी सफिशिएंट इफ आई राइट दैट सून यू विल बी एबल टू टीच मी, कि जल्द ही तुम मुझे पढ़ाने वाले हो. तो कहता है आइंस्टाइन सेड दैट दिस इज टू मच, ये ज़्यादा हो जाएगा आपने कुछ. लेकिन टीचर जो है मैथ्स का, उसने बड़े ग्लोइंग लेटर्स के अंदर उसे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दी, जिसके आधार पर बाद में उसने इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर मिलान के अंदर एडमिशन भी ली. फिर अब उसको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल चुका था, उसके पास लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी थी, और आइंस्टाइन अब टीचर्स हेड टीचर से मिलना चाहता था, प्रिंसिपल से मिलना चाहता था. लेकिन ये उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है. एंड आइंस्टाइन प्रिंसिपल ऑफिस में कॉल किया जाता है, ही हैज अ लास्ट मीटिंग विद द प्रिंसिपल. एंड प्रिंसिपल से कॉल करके बताते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम teach him in school anymore because teaching is impossible in his presence in school. School के अंदर उसकी मौजूदगी में दूसरे बच्चों को पढ़ाना असंभव है. And principal feels that he is more disrespectful, more outspoken. और ऐसे हालात के अंदर he hands him over expulsion letter. लेकिन आइंस्टाइन के जेब में पहले एक medical certificate था, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन था. वो कुछ बोलना चाहता है कि मैं भी प्रिंसिपल को उसके स्कूल के बारे में बता दूँ, लेकिन वो चुप रहता है. और प्रिंसिपल उसे ऑफिस से बाहर जाते समय कहता है कि पीछे से दरवाज़ा बंद कर दो ना, बट ही पेड नो अटेंशन टू इट. वो दरवाज़ा बंद नहीं करता, आराम से चला जाता है और बिना एक बार मुड़ के देखे सीधा स्कूल से बाहर हो जाता है. एंड उसे ऐसा लगता है उसके टॉर्चर उसकी सफरिंग सारी खत्म हो गई हैं और उसे स्कूल में आना नहीं पड़ेगा. और आइंस्टाइन फाइनली गुड बाय करता है स्कूल को, यूरी को, और वहाँ से चल देता है. एंड लेटर आइंस्टाइन हमें पता है कि ग्रेट कंट्रीब्यूशन अपनी के कारण वर्ल्ड वाइड फेमस होता है. और हमें पता है न्यूटन के बाद अगर जो ग्रेट हम गए साइंटिस्ट हुआ वो अल्बर्ट आइंस्टाइन. एंड द स्टोरी कम्स टू I hope you have understood well the explanation by me. So do like, share and subscribe my channel English Words by Kiranjit. Thank you very much.